हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, ये कल शाम का ऐसा समय है, काना कर रहा था पढ़ाई, क्योंकि रिचा अपनी कोचिंग से आने के बाद एक घंटा काना को पढ़ाई कराती है, नहीं तो फिर ये बैठता नहीं है पढ़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं किचन में चाय बनाने के लिए शाम की, तो आइए हम बनाते हैं चाय, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो चाय तो बनती है। और यहाँ पर रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, तो बस इसमें शक्कर और अदरक चाय पत्ती डाल दूँगी, क्योंकि रिया भी आ गई है अपनी कोचिंग से और रिचा तो पहले ही आ गई थी, काना को पढ़ाई करवा रही है, तो बस मैं रिया का इंतज़ार ही कर रही थी ये और आ जाए तो फिर हम बनाए चाय, क्योंकि शाम को सभी को लगता है कि सर्दी का टाइम है तो अब चाय बना लें, लेकिन ये दोनों घर पर नहीं रहती हैं तो फिर मेरी भी इच्छा नहीं होती है कि अब चाय बना लूँ, क्योंकि ये हो घर पर तो भी बना लूँ। और काना को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है चाय में कि उसको पीना है, वैसे भी बहुत ही कम, सुबह भी बहुत कम पीता है और शाम को भी बहुत ही कम पीता है। कभी जैसे उसकी इच्छा हो टोस्ट वगैरह खाना हो या बिस्किट वगैरह खाना हो तो ही चाय पीता है, नहीं तो मना कर देता है कि हमको चाय नहीं पीना है, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता कि मतलब चाय बना लूँ। ये दोनों आ जाती हैं, इसके बाद इच्छा होती है कि अब मैं चाय बना लूँ, तो ये दोनों आ गई हैं, तो इसीलिए मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और चाय हमारी ये देखिए अच्छे से उबल चुकी है, क्योंकि उसमें मलाई पड़ गई होगी, सुबह गर्म करके भी फ्रिज में रख देती हूँ तो उसमें मलाई अच्छी आ जाती है फ्रिज में रखने के बाद। तो बस यहाँ पर मैं उसको छान लूँगी, थोड़ा ही दूध है, अब तो गौरी लग नहीं रही है इसलिए। ये देखिए चाय अच्छे से उबल चुकी है हमारी, बस थोड़ी सी बना रही हूँ मैं, आधे आधे कप, क्योंकि रिया रिचा भी बहुत ही कम पीती हैं। अब हमारी चाय उबलने लगी है तो अब मैं इसको छान लूँगी। मुझे तो ज़रूरी ही चाहिए सुबह भी, सबसे पहले उठने के बाद ब्रश करूँगी, फिर इसके बाद मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आप चाय हो तो चाय सुबह भी जल्दी पीना और शाम को भी, मतलब 5 बजे और लगता है कि चाय भी मिल जाए पी ले, तो बस। लेकिन ये लोग 5:30 तक आती हैं तो इसके बाद ही बनाती हूँ मैं। आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय, सर्दी का समय है। तो हमारी चाय बन गई है फ्रेंड्स और हम जा रहे हैं चाय पीने को। हम लोगों ने पी ली है चाय बस, और शाम का टाइम हो गया है, 7:30 बज चुके हैं इस रात के। यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मैंने रिया रिचा से पूछा खाने में, तो वो बोलने लगी कि हमें चावल खाना है फ्राई वाले, तो मैंने बोला भी खिचड़ी मतलब मूँग की दाल डाल दें, क्या सर्दी नहीं होती है, लेकिन नहीं, उनको तो बस चावल ही खाना है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर आलू प्याज हरी मिर्च काट ली है और काट कर यहाँ पर रख दिया है कुकर, और उसमें डाल दिया है मैंने तेल गरम होने के लिए, क्योंकि गरम गरम खा लेंगे तो अच्छा है, लेकिन उन्हें अभी खिचड़ी नहीं खाना है, चावल का ही बोला है तो चावल ही बना रही हूँ मैं यहाँ पर। बस हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे राई मैंने डाल दी है, अब डाल दूंगी इसमें मैं जीरा। और इस तरीके के चावल बहुत टेस्टी बनते हैं, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप ज़रूर से ज़रूर बनाकर खाएं, आप खुद कहेंगे कि हाँ बहुत टेस्टी बनते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है और रिया रिचा को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसीलिए मैं उनकी पसंद के ये चावल बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इसीलिए मैंने उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, और इनको ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस मैं
दो मिनट के लिए ही भूनूंगी, ज़्यादा गोल्डन नहीं भूनना है हमें, बस थोड़ा सा ही भूनना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे दो मिनट हो चुके हैं और अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू और आलू के साथ ही डाल दूंगी मैं टमाटर और इनको भी ज़्यादा नहीं पकाना, हमें दो मिनट ही पकाना है। और बस अब इसमें मैं डाल दूंगी मसाला, मसाले में भी मैं ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालती इधर उधर से, बस थोड़ा सा ही मसाला डालती हूँ। यहाँ पर डाल दूंगी मैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर और सूखा वाला धनिया नहीं डालती हूँ, उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा इसमें पसंद नहीं आता है, तो सूखा धनिया आप नहीं डालें, अगर किसी को डालना है तो डाल सकते हैं। और बस थोड़ी सी ही डाल दूंगी मैं लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले ही डाल दी है। और बस स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें चावल और इन सब चीज़ों को हम मिला देंगे। और ये देखिए इनका कलर बहुत अच्छे से आएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके के चावल, आप ज़रूर से ज़रूर बना कर खाएँ और फिर मुझे कमेंट करें कि आपको कैसे लगे। हम लोगों को तो बहुत पसंद है। और ये देखिए मैंने इन सभी चीज़ों को मिला दिया है और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी ये देखिए पानी हमने डाल दिया है और अभी भी उसका कलर कितना अच्छा आ रहा है आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद मैंने अभी हरा धनिया ख़त्म हो गया था मैं, तो बस थोड़ा सा ही रखा हुआ है तो वो भी डाल दूंगी मैं। और इसके बाद अब मैं इसमें लगा दूंगी तीन सीटी, क्योंकि तीन सीटी ही लगाना है और आप ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो फिर ये मतलब गल जाते हैं बहुत ज़्यादा ही। और तीन सीटी के बाद मैं तुरंत कुकर खोल देती हूँ, तीन सीटी जैसे ही होती है मैं कुकर गैस बंद कर कुकर खोल देती हूँ, तो बस बहुत अच्छे बनते हैं ये वाले चावल इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चावल बन रहे हैं, तीन सीटी हो जाएंगी तो हम गैस बंद कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे तीन सीटी होने के बाद ही मैंने गैस बंद कर कुकर हटा दिया है और खोल भी दिया है, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल गर्म ही है अभी, उसमें कितनी भाप निकल रही है। और बस यहाँ पर रिचा ले लेगी अपनी प्लेट लगा लेगी, क्योंकि उसे गर्म ही खाना बहुत पसंद है। और बस थोड़ा सा ही घी डालती वो, क्योंकि उसे थोड़ा सा घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, उसमें मिक्स कर लेगी घी। और बस उसकी प्लेट लग चुकी है, हम लोग थोड़ा ठंडा होने के बाद खाएंगे, लेकिन उसको गर्म खाना बहुत पसंद है तो उसने अपनी प्लेट लगा ली है। और आप ज़रूर से ज़रूर बनाकर खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके के चावल। और फिर यहाँ पर ये देखिए आज मैं इनसे सुबह ही बोल रही थी कि मुझे बॉडी लोशन कुछ लाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो पड़ने लगी है, तो मतलब हाथ पैर भी रूखे से हो गए, चेहरा भी बहुत ज़्यादा रूखा हो गया है, तो मैं इनसे बोल ही रही थी। और ये लेकर आ गए हैं पॉन्स वाला बॉडी लोशन और बोरोप्लस, लेकिन रिया रिचा को चाहिए था बोरोप्लस वाला बॉडी लोशन, तो अब मुझे चेंज कर कल लाना पड़ेगा दूसरा। तो बस यहीं पर करती हूँ मैं अपना वीडियो एंड, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, बाय।